नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। राहत भरी खबर, बिहार में 103 निजी अस्पताल को कोरोना इलाज की मिली मंजूरी, पटना के 90 हॉस्पिटल शामिल। बिहार में बेकाबू हो रही कोरोना की तीसरी लहर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में हर एक दिन बड़ी तादाद में नए कोरोना मरीजों की पहचान हो रही है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वह बेहद चिंताजनक है। इस क्रम में बिहार में 103 निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की मंजूरी दी गई है। हालांकि अब भी राज्य के कुछ जिलों में 100 से अधिक आवेदन स्वीकृति के लिए लंबित है। इनमें सर्वाधिक पटना के ही विभिन्न निजी अस्पतालों द्वारा दिए गए आवेदन है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना के दूसरे चरण में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए पहली बार निजी अस्पतालों को भी मंजूरी दी गई। IMA बिहार की ओर से सभी जिलों के लंबित आवेदनों का निपटारा करते हुए तत्काल मंजूरी दिए जाने की मांग की गई। दो दिन पूर्व पटना जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक में कोरोना से भी इस मांग को रखा गया था। BPSC ने निकाली 286 पदों के लिए बम्पर नौकरियां, आज से करें आवेदन, जाने पूरी डिटेल। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। आयोग ने अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी सहित कई पदों पर भर्तियां निकाली, जिसके लिए 17 जनवरी 2022 से आवेदन शुरू हो चुका है। कैंडिडेट्स BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in के जरिए इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक BPSC ने यह भर्ती नगर विकास और आवास विभाग के तहत निकाली है। इसके लिए कुल 286 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को पढ़कर इन पदों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री या फिर एनवायरनमेंट साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी के लिए जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। बिहार में आज मिले 3,526 नए कोरोना मरीज, पटना में मिले 1,035 केस। पिछले दिनों की तुलना में बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कुछ कम हुई है। बिहार में कोरोना संक्रमित नए मरीज पहले की अपेक्षा कम हुए हैं। बिहार में आज कुल 3,526 कोरोना के नए मामले मिले हैं, जबकि पटना में 1,035 नए केसेस सामने आए हैं। बिहार में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 33,122 हो गई है। कोरोना के पुराने आंकड़ों पर यदि गौर किया जाए तो पिछले दिनों बिहार में कुल 5,410 नए मामले मिले थे। वहीं शनिवार को 6,325 का आंकड़ा था। वहीं पटना में रविवार को कुल 1,575 नए मामले सामने आए थे, जबकि शनिवार को यह आंकड़ा 2,305 था। वहीं रविवार को एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 35,508 थी, जबकि शनिवार को एक्टिव मरीजों की संख्या 35,916 थी। बिहार में शिक्षकों को तबादले के लिए करना होगा इंतजार, शिक्षा मंत्री बोले पहले यह काम फिर ट्रांसफर। बिहार में लंबे अरसे से तबादले का इंतजार करने वाले शिक्षकों को अभी और लंबा इंतजार करना होगा। दरअसल 2 साल पहले सरकार ने यह फैसला लिया था कि जो शिक्षक नियोजन के बाद अपना तबादला चाहते हैं उन्हें इसकी सुविधा दी जाएगी, लेकिन अब तक सरकार इस फैसले पर कदम आगे नहीं बढ़ा पाई है। और अब बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने तबादलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विभाग की प्राथमिकता अभी शिक्षक बहाली प्रक्रिया को पूरा करना है। हम शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी कर उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देना चाहते हैं। नियोजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी शिक्षकों का तबादला किया जाएगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से तबादले की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री के बयान के मुताबिक प्रारंभिक और हाई स्कूलों में शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तबादले के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने 2021 जून शिक्षकों का तबादला का लक्ष्य रखा था। शिक्षकों के तबादला संबंधी नीति शिक्षा विभाग ने 2020 में बना ली थी। शिक्षकों के तबादले के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, सॉफ्टवेयर का फाइनल ट्रायल होना बाकी है।
बिहार में CDPO की PT परीक्षा स्थगित। कोरोना के मद्देनजर 6 फरवरी को होने वाली परीक्षा स्थगित की गई। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO के पद पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। अगले महीने 6 फरवरी को CDPO की बहाली के लिए PT परीक्षा होने वाली थी। BPSC की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव और परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि अब इस परीक्षा के अप्रैल महीने में होने की संभावना है। आयोग ने परीक्षा को स्थगित करने के कारण नहीं बताया है, लेकिन कोरोना के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। दरअसल BPSC पर भी कोरोना की जबरदस्त मार पड़ी थी और उससे कई अधिकारी और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए थे। पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू करने के लिए सोशल मीडिया पर फिर चला अभियान, ट्विटर पर ट्रेंडिंग में है। पूर्णिया एयरपोर्ट खोलने की मांग सोशल मीडिया तक पहुंच गई है। रविवार से ही ट्विटर पर हैशटैग पूर्णिया एयरपोर्ट पर ट्रेंड कर रहा है। अभियान के दौरान कई विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता, बिजनेसमैन, रंगकर्मी, कलाकार, डॉक्टर, अधिवक्ताओं ने इस मुहिम पर अपना मूल्य योगदान दिया है। समाजसेवी और सीमांचल इंफ्राटेक के संजीव मिश्रा ने भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के जिला अध्यक्ष सह प्रमंडल प्रभारी अविनाश मिश्र ने बताया कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन पूर्णिया इकाई द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करवाने के लिए पिछले 2 सालों से लगातार सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक आंदोलन कर रही है, पर सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के सेनानी व स्थानीय युवाओं ने आपस में मिलकर पूर्णिया एयरपोर्ट पर सरकार का ध्यान फिर से दिलाने के लिए रविवार को पुनः ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया। अभियान ने शहर के बुद्धिजीवियों का भी समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू नहीं हो जाएगी। बिहार में ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत, पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी, दिन रात का पारा गिरा। पटना सहित बिहार के कई जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मौसम ने रुख बदलना शुरू कर दिया है। राज्य के कई जिलों में सर्दी के मौसम के दौरान बीते दिनों बारिश देखने को मिली, वहीं अब मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य में पूर्वी हवा बंद होकर पछुआ चलने लगी है। पर्वतीय राज्यों से कनकनी लेकर आ रही उत्तरी पछुआ हवाओं ने सुबह में कनकनी बढ़ा दी है। दिन में धूप निकलने के बाद भी हवा में कनकनी होने से वातावरण ठंडा बना हुआ है। इसी कारण से न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में गिरावट भी जारी है। रविवार को दिन भर राज्य में ठंड हवाओं का प्रभाव बढ़ने से कनकनी बनी रही, जहां गया के पारे में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, वहीं दिन भर कोल्ड डे जैसे हालात रहे। शिक्षक बहाली के लिए सख्त गाइडलाइन, काउंसलिंग में गड़बड़ी हुई तो 24 घंटे में होगा एक्शन। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने वाली है। कोरोना संक्रमण के बावजूद राज्य सरकार ने 17 से 28 जनवरी के बीच नियोजन इकाइयों के जरिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है, लेकिन इस बार शिक्षक बहाली के दौरान गड़बड़ी की शिकायतों पर ज्यादा सख्ती देखने को मिलेगी। काउंसलिंग के दौरान अगर नियोजन इकाई में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो संबंधित जिलों के DEO 24 घंटे के अंदर इसकी सूचना DM को देकर वहां की नियोजन प्रक्रिया को न केवल रद्द करेंगे बल्कि दोषियों पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा भी करेंगे। अभ्यर्थियों के चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन हर हाल में करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र काउंसलिंग के अगले दिन ही NIC वेब पोर्टल पर अपलोड करना है। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए काउंसलिंग के लिए केंद्र बड़ी परिसर वाले जगहों पर करना है। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने नियोजन से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है। आगामी 17 से 28 जनवरी तक लगभग 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पदों के लिए होने वाली काउंसलिंग के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए सभी DM को पत्र भेजा है। बिहार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने के लिए कोरोना वैक्सीन जरूरी, 26 जनवरी तक लगेगा टीका। बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अगले महीने शुरू होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में शामिल होने वाले किशोरों को 26 जनवरी से कोरोना का टीका दिया जाएगा। संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के DM और सिविल सर्जन को पत्र लिखते हुए कहा कि हर हाल में राज्य के 15 से 18 साल के किशोर और किशोरियों को टीका
टीका लगाया जाए। अगले महीने होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के साथ साथ CBSE और ICSE बोर्ड के परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को भी टीका लग जाए, यह सुनिश्चित किया जाए। शोरों में टीकाकरण को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कोरोना टीका लगवाने में सरकारी स्कूल के छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं। ज्यादातर निजी स्कूलों में 80% से अधिक छात्रों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं सरकारी स्कूल के 25% बच्चों को टीका दिया गया है। अब पटना DEO ने सभी स्कूलों से 9वीं से 12वीं तक के नामांकित विद्यार्थी की संख्या मांगी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों को टीका लगाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में 2 जनवरी से टीकाकरण शुरू किया गया। अब तक 10 दिन से अधिक होने के बाद भी सरकारी स्कूल में 25% किशोरों ने ही टीका लगवाया है। फर्जी प्रमाण पत्र के द्वारा प्रमोशन पाने वाले कई शिक्षकों पर गिरी गाज, किया गया सोकोज। बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र से प्रमोशन पाने का मामला सामने आया है। गलत सर्टिफिकेट पर हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों और हेडमास्टरों से अलग अलग सोकोज किया गया है। बता दें कि पूरे 33 शिक्षकों पर गाज गिरी है। दरअसल यह मामला आरा जिले का है, जहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रेमचंद ने 33 शिक्षकों और हेडमास्टरों से सोकॉज किया है। अगर सोकॉज का जवाब सकारात्मक नहीं पाया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले 21 हेडमास्टरों का प्रमोशन रद्द किया जा चुका है। वहीं इस सोकॉज को लेकर शिक्षा विभाग के गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है, जहां कुछ शिक्षकों का कहना है कि जब 21 शिक्षकों का प्रमोशन रद्द किया गया तो 44 की सूची में 23 अन्य से सोकॉज का क्या मतलब है, जबकि 2 बार पूर्व भी सोकॉज किया जा चुका है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना।